सचिन क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 10 साल पहले भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, किसी पार्टी के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरा रिकॉर्ड विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं। तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोल दें, नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। मुझे नजर आ रहे यंगस्टर्स, बिल्कुल कौन कर सकते हैं, विराट एंड रोहित आर द वंस। किसी पार्टी के दौरान सलमान खान ने उनको क्वेश्चन किया था कि आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है क्या? तो सचिन ने कहा था कि मेरा रिकॉर्ड जरूर टूटेगा और वो भी रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली तोड़ेंगे। तो ये भविष्यवाणी आज सच हो गई। विराट ने कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के दौरान 117 रन की शानदार इनिंग खेली। उन्होंने उसके बदौलत अपना 50वां शतक पूरा किया। इसके पहले सचिन के नाम 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड था। विराट कोहली यहाँ पे ही नहीं रुके, उन्होंने अपना और एक रिकॉर्ड बना लिया है। किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रन बनाए थे, वो भी रिकॉर्ड विराट कोहली ने आज तोड़ दिया। विराट कोहली ने 117 रन की बदौलत 711 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये शतक विराट कोहली ने वानखेड़े स्टेडियम पर पूरा किया। हालांकि सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम में मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर ने मैच के बाद कहा कि जब मैं विराट कोहली को पहली बार ड्रेसिंग रूम में मिला था, इंडिया के कुछ प्लेयर्स ने विराट के साथ प्रैंक किया था। जो भी कोई नया प्लेयर आता है तो सचिन तेंदुलकर के पैर छूता है, उनके ब्लेसिंग्स लेता है। उन्होंने और कहा कि उनका रिकॉर्ड कोई इंडियन तोड़ता है तो उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी। कल के मैच के दौरान इंडिया की तरफ से 3 शतक देखने को मिले, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और टीम साउदी। इन तीनों के शतक के बदौलत इंडिया 397 का रनों का पहाड़ बना पाई और न्यूजीलैंड उसे चेस नहीं कर पाई। इसके वजह से इंडिया अभी फाइनल में पहुंच गई है। तो आज का मैच अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। जो भी मैच जीतता है वो इंडिया के साथ फाइनल में खेलेगा। तो देखते हैं आज के मैच में कौन जीतता है और कौन आता है फाइनल में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।